वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 1,09,29 नए केस दर्ज किए गए हैं और ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है और कुल केस अब बढ़कर 3,20,922 तक पहुंच गए हैं और इनमें से 1,49,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कुल मौतों की तादाद भी 9,195 हो गई है और बीते 24 घंटे की बात करें तो 311 मौतें हुई हैं। अब तक 1,62,389 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो दिल्ली की बात कर लेते हैं, कोरोना से हालात यहां पर बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली के हालात पर केंद्र सरकार फिक्रमंद है। गृहमंत्री आज दो अहम बैठकें करने वाले हैं, एक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ दिल्ली के LG और CM भी मौजूद रहेंगे और गृह मंत्रालय में ये बैठक शुरू भी हो चुकी है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सचिन जैन, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया मौजूद है, जबकि दूसरी बैठक शाम को होने वाली जिसमें अमित शाह के साथ दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर्स और अफसर भी शामिल होंगे। जितेंद्र बहादुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालात काफी नाजुक हैं जितेंद्र, किन किन अहम बिंदुओं पर विचार होगा और इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने भी एक बैठक बुलाई थी इसी को लेकर? बिल्कुल नवजोत, एक महत्वपूर्ण बैठक है और ये गृह मंत्रालय में शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, वो भी पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 2,134 मामले दिल्ली में आए हैं। इस बात को देखते हुए किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसके अलावा जो MCD यानी कि नगर निगम की तरफ से किस तरीके के कदम उठाने हैं, इस पर एक चर्चा की जाएगी। 11 बजे की जो बैठक है, इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। अमित शाह इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि अस्पतालों में अगर मरीज जाते हैं तो उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, इसके अलावा निचले स्तर तक किस तरीके से जांच की जानी चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास कैसे पहुंचा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शाम को जो 5 बजे बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में तीनों नगर निगमों के जो महापौर हैं वो शामिल होंगे। नगर निगम किस तरीके से कदम उठाए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, उनको निर्देश दिए जाएंगे और इस तरीके की बात चल रही है कि दिल्ली जो लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसका कर्व बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे नीचे किया जाए, इस पर माइक्रो लेवल यानी कि निचले स्तर पर एक मैनेजमेंट किया जाएगा और उसके लिए कदम उठाने की बात इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। ये जितेंद्र मीटिंग इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो इसको लेकर सिर्फ सियासत हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन अब क्या लगता है कि इसके बाद एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगी? क्योंकि अगर तालमेल नहीं बनता है केंद्र और राज्य के बीच में तो जाहिर सी बात है कि हालात बेकाबू होंगे, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबको समझनी होगी अपनी। क्या उम्मीद करें कि इसके बाद कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी सब में? बिल्कुल नवजोत, इस बात को लेकर के भी चिंता जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसके अलावा जो MCD उसमें बेहतर, तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद शायद बेहतर तालमेल होगा। बहरहाल बहुत अहम है ये बैठक जो कि इस वक्त चल रही है। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।